अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और इस वीडियो में मैं आपको प्रोफेशनल लेवल पे जो बैकग्राउंड ब्लर होता है ना, वो आपको करना सिखाऊंगा। आपने बहुत ही VIP तरीके से बैकग्राउंड ब्लर करना आज के बाद जब आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। सो गाइज, इस फोटो का जो मैंने बैकग्राउंड वो ब्लर करना है, तो मैं इसको ब्लर करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐप बताऊंगा। आपने वो ऐप डाउनलोड कर लेना है, आपने प्ले स्टोर पे चले जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपने लिखना है अनवांटेड ऑब्जेक्ट रिमूवर। ये आपने लिखने के बाद ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ये वाला जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। आपने ये डाउनलोड कर लेना है, इसको फिर हमने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मैं और अच्छी अच्छी वीडियो दिखा सकूँ इस एडिटिंग के बारे में। तो सबसे पहले ये फ़ोटो आ गई है, मैं इस ब्रश पे क्लिक करूँगा, इस सारी फ़ोटो को जो ना सेलेक्ट कर लूँगा ऐसे। गाइस, आगे मैं आपको और बहुत VIP तरीका बताने वाला हूँ बैकग्राउंड ब्लर करने का, तो आप वीडियो पूरी देखें। अगर आप थोड़ी सी भी स्किप करेंगे तो आपको काफ़ी समझ नहीं आएगी, वीडियो आप पूरी देखते हैं। यहाँ प्रोसेस पे मैंने क्लिक कर दिया है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। ये देखें, बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, तो यहाँ से अब हम सेव कर देंगे। तो अब आप बैक जाएँ और फिर हमने जाना है पिकआर्ट में, यहाँ से पिकआर्ट। तो गाइज, मैं इस फोटो को पिकआर्ट में लेके आ गया हूँ। तो सबसे पहले मैंने इफेक्ट पे जाना है और यहाँ से ये आप ब्लर पे आ जाना है। आपने ब्लर पे आके आपने इसको ब्लर कर देना है, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है वहाँ तक आपने इसको ब्लर कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ब्लर है उसमें बूके आए, मतलब कि बबल्स पीछे आए, तो आपने फिर पिकआर्ट को रहने देना है। आपने ओपन कर लेना है ब्यूटी प्लस। तो गाइज, आपने जो वो हमने रिमूव फ़ोटो की है ना, उस पे आ जाना, हम इस फ़ोटो को ले जाना है ब्यूटी प्लस में। ब्यूटी प्लस आपके पास शायद पहले से हो, अगर नहीं है तो आप ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पे मैं इसको ब्लर कर दूँगा, मैनुअल पे जाके यहाँ पे इसको सिलेक्ट ऑल कर लूँगा। ये सिलेक्ट ऑल हो गया, अब देखना आप ब्लर। अब यहाँ पे आपने जहाँ पे मर्जी ब्लर करना है वहाँ पे आप ब्लर की रेंज रख लें। मेरे ख्याल से यहाँ पे ठीक लग रहा है, बस यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद अब मैं जाऊँगा पिकआर्ट में, सो गाइज पिकआर्ट में मैं उस फ़ोटो को लेके आ गया हूँ जिसका मैंने ब्यूटी प्लस में बैकग्राउंड ब्लर किया है। तो अब मैं ऐड फ़ोटो पे आऊँगा और इस फ़ोटो को लेके आ जाऊँगा और इसको इसके बिल्कुल बराबर ऐड कर दूँगा। और फिर ये देखें, मैंने रेज पे आके यहाँ से इन्वर्ट कर देना आपने, फिर यहाँ पे आके स्टोर पे आके आपने उस नीचे वाली फ़ोटो को लेके आ जाना है ऐसे। अब आगे मैं आपको बताता हूँ, प्लीज़ वीडियो मिस नहीं करना, आप पूरी वीडियो देखें। अब आप देखना, अब इरेज पे आके आपने यहाँ से तकरीबन साइज कम कर लें, अब ये देखें आप।
सो गाइस, अब आप देख सकते हैं कि फोटो कितना वीआईपी ब्लर हो गया है। अब आप देख रहे हैं इसमें कोई मिस्टेक नहीं आई, फोटो वीआईपी ब्लर हो गया है। अब यहाँ से आप इसके एडजस्टमेंट में जाके क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ा दें, सेचुरेशन भी थोड़ी सी बढ़ा दें, और शेडो वगैरह भी आप बढ़ा सकते हैं। ब्राइटनेस सो आप देख सकते हैं आपकी फोटो कितनी वीआईपी ब्लर हो के आ गई है, बिल्कुल ओरिजिनल ब्लर लग रहा है। तो गाइस ओके, अल्लाह हाफिज़।